CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशिष्ट उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली भारतीय महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला उड़ान उड़ान उड़ान। इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कार्यक्रम अंधेरे का उजाला बेबी हालदर। नमस्ते प्रबोध। रमन नमस्ते। कहो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम सुनाओ यात्रा कैसी रही? हाँ यात्रा तो ठीक रही भाई, मुझे तो कुछ पंक्तियाँ यहाँ खींच लाई हैं। मतलब? अरे भाई मैं उस लेखिका की बात कर रहा हूँ जिसके लेख तुम समय समय पर मुझे भेजते रहे हो। समझा प्रबोध, मेरी बड़ी इच्छा है कि कोलकाता जाने से पहले एक बार उस हस्ती से मिल लूं। तुम जानते हो ना उसे? हाँ जानता तो हूँ। तो फिर मुलाकात हो सकती है? भाई कोशिश करके देखते हैं। कोशिश करो। साहब चाय। रख दो, सामने रख दो। रमन हाँ, कोशिश कामयाब हो गई। अरे हाँ, मतलब वो लेखिका और कोई नहीं, ये तुम्हारे सामने खड़ी है जो चाय लेके आई है। ये भला कैसे हो सकता है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या आप ही बेबी हालदर हैं? हाँ रमन, यही है वो महान लेखिका। अरे लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, पर ये यहां कैसे और ये काम? हर कोई यही सवाल पूछेगा अब। भाई प्रबोध, सच पूछो तो मैं आज धन्य हो गया। साथियों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। उस दिन प्रबोध जी के ड्राइंग रूम में महान लेखिका बेबी हालदर से मुलाकात करके रमन मानो अवाक रह गए थे। बेबी हालदर अब साहित्य जगत की जानी पहचानी हस्ती हैं। आज बेबी हालदर का नाम लेखन के क्षेत्र में एक पहचान बन चुका है। बीबी का बचपन बहुत ही दारुण और दुखमय माहौल में बीता। पिता घर पर कभी पैसे देते कभी नहीं देते। घर में निरंतर तंगी और कलह के कारण मां घर छोड़कर चली गई। कुछ दिनों बाद पिता ने दूसरा विवाह किया और फिर तीसरा। नौकरी से रिटायर होने पर उसके पिता दुर्गापुर में आकर रहने लगे, जो पश्चिम बंगाल में है। मुसीबतों ने यहां भी बेबी का पीछा नहीं छोड़ा। वो अपने से दुगनी उम्र के एक आदमी के साथ ब्याह दी गई और सातवीं कक्षा में ही उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ वर्षों के बाद नियति ने एक और क्रूर करवट ली, जिसके कारण उसे अपना घर भी छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने का कारण था पति का दुर्व्यवहार। एक दिन की बात है, पूजा का दिन था, रात के 2 बजे थे, पड़ोस में पूजा थी।
बेबी भी पूजा का थाल तैयार किए बैठी थी। बस इंतजार था पति के घर आने का। अरे आ गए आप, इतनी देर कैसे हो गई? क्यों, तुमसे पूछ कर जाना होगा कहीं? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए। अब वो आज मेरा उपवास है, पड़ोस में पूजा चल रही है, अब आप कहें तो मैं वहां हो आऊं। कितनी देर लगेगी? बस पूजा खत्म होते ही चली आऊंगी। जल्दी आ जाना। जी। उस दिन जो पूजा में हुआ उसके बाद बेबी ने निर्णय लिया कि वो कभी अपने पति के घर वापस नहीं जाएगी। हुआ यूं कि उस दिन बेबी के पति ने सबके सामने बेबी की खूब पिटाई की। बात क्या थी ये तो ना बेबी को पता था, ना ही पूजा में उपस्थित लोगों को, और ना ही शायद बेबी के पति को। रोज रोज की जिल्लत छीनने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए घर छोड़ दूं। अपने तीनों बच्चों को लेकर दुर्गापुर के रेलवे स्टेशन से उसने गाड़ी पकड़ी और ढेरों प्रश्न मन में लिए वो चल पड़ी एक ऐसे आशियाने की तलाश में जहां उसके लिए सुख के कुछ पल हों और उसके बच्चों के लिए सुनहरा भविष्य। सब कुछ छोड़कर जा तो रही हूँ, पर क्या होगा आगे? इन बच्चों को ठीक से पाल भी सकूंगी या नहीं? क्या कोई काम मिल पाएगा मुझे? क्या मेरे बच्चे कभी स्कूल जा पाएंगे? और फिर बेबी जुट गई इन्हीं प्रश्नों के उत्तर की तलाश में। कुछ दिन वो फरीदाबाद रही और फिर गुड़गांव। घरों में काम करके कुछ पैसे तो कमा लेती थी जिससे उसके बच्चों का पेट तो भर जाता था, पर उसकी आंखें अक्सर खिलखिलाते हंसते बच्चों को जब बस्ता टांगकर स्कूल जाते हुए देखती तो एक आह उसके मन से निकलती। क्या उसके बच्चे भी कभी स्कूल जा पाएंगे? समय का पहिया अबाध गति से चलता गया और एक दिन उसने श्री प्रबोध कुमार के घर पर नौकरी कर ली। इनको हम तातुष के नाम से जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद के नाती
प्रबोध कुमार, जो आज एक वरिष्ठ कथाकार हैं। जिंदगी के इस मुकाम पर बेबी हल्दार के जीवन ने एक खुशनुमा मोड़ पाया। इस घर में उसके सपनों को, मुरझाते अरमानों को मानो एक नई मंजिल मिली। एक दिन की बात है, बेबी प्रबोध जी के घर पर काम कर रही थी। काफी काम निपटा लिया है, अब जरा लाइब्रेरी साफ कर लूं। अरे वाह, कितनी अच्छी किताबें हैं। ऐसा लगता है मानो ये किताबें कुछ कहना चाहती हैं मुझसे। अच्छा, अब जरा इस किताब को खोल कर देखूं। बेबी क्या देख रही हो? बेबी जी मैं हाँ हाँ कहो ना, क्या देख रही हो इस किताब में? जी मैं कुछ किताबें देख रही थी, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? सातवीं तक पढ़ी हूँ बाबूजी। अच्छा, फिर ये बताओ कि तुम किसी लेखक का नाम जानती हो? हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सतेंद्रनाथ दत्त। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम्हें तो बड़े बड़े लेखकों के नाम याद हैं। अच्छा चलो, एक काम करो, ये किताब लो जी, और आज इसे पढ़कर दिखाओ। आमार मे बेला तस्लीम नसरीन। वाह बेबी, तुम्हें पढ़ने का शौक है? शौक होने से क्या होता है बाबूजी, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। क्यों होगा, क्यों नहीं? अब मुझे देखो, अभी तक पढ़ता हूं। अरे भाई, जब मैं पढ़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। अच्छा चलो, तुम एक काम करो जी, इस किताब को घर ले जाओ जी। हाँ, और जब भी समय मिले तो इसे पढ़ना जरूर जी। बहुत अच्छा बाबू जी। साथियों, वो दिन बेबी हल्दार के जीवन का एक ऐसा दिन था जहां से उसने फिर पलटकर कभी पीछे नहीं देखा। वो किताब लेकर घर चली गई और उसमें से रोज एक एक दो दो पन्ने पढ़ने लगी। आधी रात को धुंधली रोशनी में उसे इस किताब के पन्नों में कभी कभी अपनी जिंदगी की झलक भी दिखाई देती। बेबी जी, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? जी, मैं उसे रोजाना पढ़ती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आज मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, इसका इस्तेमाल करना, समझना कि ये मेरा ही काम है। ये लो ये कॉपी, और ये है पेन जी। अब तुम इसमें कुछ लिखना शुरू करो। हाँ जी जी, मैं क्या लिखूं? तुम ऐसा करो, हाँ तुम अपने जीवन की कहानी लिखने की कोशिश करो। मतलब होश संभालने से लेकर अब तक की जिंदगी की जो भी बातें तुम्हें याद आए वो सब
इस कॉपी में हर रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। लेकिन क्या मैं लिख सकूंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम जरूर लिख सकोगी बेबी। रात के अंधेरे में एक काम वाली के हाथ में किताब देखकर आसपास के लोग हैरान होते और तरह तरह की बातें करते। ये क्या पढ़ेगी, क्या लिखेगी है? अरे ये क्या करेगी, किताब पढ़ गया लगता पागला भी। पर किताबों को वो अपने से दूर नहीं होने देती, ऐसा उसका प्रण था। बेबी जो कुछ भी लिखती तातोष उसे फोटोकॉपी करवाकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास कोलकाता भेजते रहते। जिस जिसने वो पन्ने पढ़े उसे वो चमत्कार सा लगा। बेबी जी, इधर आओ, ये लो तुम्हारी चिट्ठी आई है। मुझे चिट्ठी कौन लिखेगा तातुष, मुझे चिट्ठी लिखने वाला कोई नहीं है। अरे भाई, चिट्ठी तो तुम्हारे ही नाम है। पर हाँ, लिखी मेरे एक दोस्त ने है। अच्छा, दरअसल तुम्हारे लिखे हुए कुछ पन्ने भेजे थे मैंने उसे। देखें क्या लिखा है उसने, पढ़ो। आप ही पढ़ दीजिए ना। मैं? हाँ। अच्छा ठीक है, लिखते हैं। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूं कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। अरे वाह, मुबारक हो बेबी। आगे लिखते हैं, मैं बहुत लज्जित हूं कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूं पर लिख नहीं सकता। इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा तो होती है पर जरा मुश्किल है। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा है। यह मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है वो सब उसे लेखन का चमत्कार मानते। मेरे एक बंधु ने कहा है कि वो तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी और ये बात किसी भी दिन नहीं भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए ही भेजा है। ये सब क्या मेरे लिए लिखा है? हाँ बेबी, मुबारक हो। भाई अगर बेबी तुम्हारा नाम है तो ये सब तुम्हारे लिए ही लिखा है उन्होंने। मैंने ऐसा क्या लिखा जो इन लोगों को इतना अच्छा लगा? उसमें अच्छा लगने की क्या बात है? अरे भाई कुछ तो होगा। देखो अब तुम इस बारे में ज्यादा ना सोचो, तुम बस अपना काम किए जाओ, बस लिखो और पढ़ो। इस तरह बेबी के लेखन का सिलसिला चलता रहा। कोई उसके लेखन को चमत्कार कहता तो कोई उसकी तुलना चर्चित एन फ्रैंक की डायरी से करता। इस तरह सभी बेबी का हौसला बढ़ाते रहते और बेबी अपनी दर्द भरी दास्तान कागज पर उतारती रहती। शब्दों के जरिए एक बार फिर वो अपने अतीत में पहुंची। बीते दिनों की एक एक याद से वो सिहर उठती। उसकी मां का उन्हें छोड़कर चले जाना, पिता की तीन तीन शादियां, 12 वर्ष की आयु में उसकी शादी
और पति का दुर्व्यवहार, पर फिर भी वो लिखती रही, लिखती रही। कितनी देर लगेगी? बस पूजा खत्म होते ही चली आऊंगी। जल्दी आ जाना। जी माँ। माँ मा, हम कहाँ जा रहे हैं? याद आते हैं वो दिन, लोगों का तिरस्कार, बच्चों को लेकर एक शरण की खोज में भटकना, वो काम का मिलना, कभी नहीं मिलना, सब कुछ बदल गया है, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया है। धीरे धीरे उसने अक्षरों से आरंभ किया, अक्षर वाक्य बने और वाक्य बने अध्याय। बेबी जी, चाय तैयार है क्या? जी अभी लाई। बेबी देखो तो दरवाजे पर कौन है। जी देखती हूँ। अब ये कोई पार्सल लगता है। दिखाओ तो। अरे इस पर तो तुम्हारा नाम लिखा है, देखे तो जरा खोल कर। अरे वाह, देखो तो सही बेबी, क्या है ये? मेरा नाम? हाँ। अरे ये तो मेरा लिखा हुआ ही है, मेरी किताब। मुबारक हो बेबी, बहुत बहुत मुबारक हो। बेबी हल्दार की किताब? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। बच्चों को दिखाती हूँ। जरूर, जल्दी से जाओ और बच्चों को दिखाओ। बच्चों बताओ तो ये क्या लिखा है? माँ तुम तो जानती हो पढ़ना, हमसे क्यों पूछ रही हो? अरे देख तो जरा, पढ़। बेबी हल्दार। माँ तुम्हारा नाम किताब में, माँ का नाम किताब में, माँ ये तो कमाल है। जी हाँ साथियों, ये थी बेबी हल्दार की पहली किताब आलो आंधारी, जिसने साहित्य जगत में तहलका मचा दिया। আমি শ্রীমতী বেবি হালদারের লেখা উপন্যাস পড়েছি। এই উপন্যাসে নারী জীবনের সম্পূর্ণ দুঃখ পীড়া তুলে ধরেছে। আমি এই উপন্যাস পড়ে সত্যি উপকৃত হয়েছি। আলো আন্ধারি কা অর্থ হে अंधेरे में उजाला। सच, बेबसी से जूझती, अपना घर बार छोड़कर एक नए आशियाने की तलाश में दुर्गापुर से गुड़गांव तक की यात्रा करने वाली बेबी हल्दार के जीवन के अंधेरों में उजाला ही तो था। आज भी उनका लेखन जारी है, अनवरत जारी है। अंधेरे का उजाला, बेबी हल्दार। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय, शोध एवं आलेख परामर्श डॉक्टर अनुभूति यादव, आलेख जैबुनिसा परवेज,
कलाकार सुचित्रा गुप्ता, नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, बाबला कोचर, मंगत राम और हन्ना, ध्वन्यांकन अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा ध्वनि संपादन, निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।